नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। भारत के सबसे अधिक रैंकिंग के पुरुष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने रविवार को यहां मलेशिया के विश्व में पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ली चोंग वेई को हराया, लेकिन उनकी टीम बेंगलुरु हॉट गन्स को इसके बावजूद प्रीमियर बैडमिंटन लीग में हैदराबाद हंटर्स से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद ने श्रीलंका और ली के बीच मुकाबले से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। हैदराबाद ने पहले मैच में खराब शुरुआत की। महिला एकल में थाईलैंड की सुपनेदा कैटेथोंग को बेंगलुरु की सुओ दी के हाथों 15-11 और 15-11 से हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की पुरुष युगल जोड़ी डेनमार्क के कॉस्टन मोगेन सैन और इंडोनेशिया के मास किडो ने बेंगलुरु की मलेशियाई जोड़ी थीन हाउ और किम वाह लिम को 13-15, 15-9 और 15-14 से हरा दिया। कप्तान सुनील छेत्री के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की बदौलत भारत ने आज पिछले चैंपियन अफगानिस्तान को 2-1 से हराकर पिछली बार फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करने के साथ ही सातवीं बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप जीता। भारत 2013 में काठमांडू में खेले गए टूर्नामेंट में अफगानिस्तान से 0-2 से हार गया था, लेकिन आज फाइनल में उसने बेहतर खेल दिखाया और अफगानिस्तान को बैकफुट पर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने पहले एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की और बाद में अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट टीम ससेक्स के खिलाड़ी मैथ्यू हॉबडन नहीं रहे। 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के रविवार को मैथ्यू के निधन की पुष्टि की। हालांकि उनकी मौत के बारे में अन्य कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ईस्टबोर्न में जन्मे हॉबडन ने 2014 में क्लब के साथ करियर की शुरुआत की थी और सभी तीन फॉर्मेट में खेले। तेज गेंदबाज हॉबडन ने अपना आखिरी मैच पिछले साल अगस्त में एसेक्स के खिलाफ खेला था। आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज बनने के लिए रविचंद्रन अश्विन की तारीफ करते हुए पूर्व स्पिनर विकेट पति राजू ने कहा कि उनके विकेट हासिल करने की क्षमता शानदार है। उन्होंने कहा कि अश्विन को मैच विजेता बने रहने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। भारतीय क्रिकेट के लिए आज अहम दिन है। बीसीसीआई में पारदर्शिता सुधार करने के लिए बनाई गई लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। आईपीएल के पूर्व सीओओ सुंदर रमन की भूमिका पर भी रिपोर्ट सौंपी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।